केंद्र सरकार अपने विकास कार्य को लेकर जिस तरह प्रसारित कर रही है कि जिस तरह दूरसंचार निगम लिमिटेड की स्थिति हुई है, जिसका जिम्मेदार पूरी तरह केंद्र सरकार है। आज के दौर में भारत संचार निगम लिमिटेड की जो स्थिति है, जग जाहिर है, लेकिन सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। BSNL का निगमीकरण 15 सितंबर 2000 को हुआ। कंपनी ने 1 अक्टूबर 2000 से केंद्र सरकार के तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभागों और दूरसंचार संचालन के दूरसंचार सेवा और नेटवर्क प्रबंधन प्रदान करने के व्यवसाय को सामंजस्य आधार पर लिया। BSNL अधिकारियों के मुताबिक BSNL के पास देश के अलग अलग जगहों पर जमीन है, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख करोड़ के आसपास है। 20,000 करोड़ रुपए के टावर्स हैं और 64,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल फाइबर हैं, जिसकी लंबाई करीबन 8 किलोमीटर बताई जा रही है। 8 लाख किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि BSNL की गिरती लोकप्रियता को और गिरती ये अर्थव्यवस्था जिस तरीके से गिर रही है, उसी तरीके से BSNL की भी कमजोरियां लगातार उजागर हो रही हैं। और इसी को देखते हुए एक कर्मचारी ने अपनी बात यहां पर बताई है कि किस तरीके से BSNL चलता जा रहा है। तो आप खुद ही सुनिए उनकी जबानी क्या कुछ कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, देखिए ये वीडियो। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और क्यों? सर, हम लोग तो ये आता है पूरे परिवार से हम लोग आत्महत्या कर ले, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। यहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दूर संचार मंत्री सबके पास हम लोग अपना कारगुजारी कर चुके, लेबर कोर्ट भी किए, कोई वहाँ भी जाकर अरविंद तिवारी पैसा दे करके दबा दिए, 25,000 रुपये दिए थे सर, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद गोरखपुर कह दिए लेबर साहब कि गोरखपुर जाइए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। SDO से बात करने पर कहते हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा, इसी तरह से करते करते सर 2 साल हो गया हम लोगों का, और 1240 रुपये पेमेंट पर हम लोग 24 घंटा मरते हैं। उसके बाद भी अधिकारी हम लोगों को शोषण करते हैं, कहते हैं कि 2 बजे रात को कि फ़ोन क्यों नेटवर्क डाउन हो गया, उस समय हम लोग उठ करके नेटवर्क को चालू करना पड़ता है। इस जाड़े के मौसम में भी हम लोगों को वहाँ संघर्ष करना पड़ता है। विभाग कोई रिस्क लेने वाला नहीं है कि वहाँ लाइन का 24 घंटा सप्लाई, अगर कोई वहाँ मर जाए भी तो कोई सुनने वाला नहीं है। जितने इलेक्ट्रिक काम कहाँ कहाँ तक इस अपने वेतन भुगतान की मांग को लेकर किससे किससे सर, हम लोग यहाँ से DM साहब, SDM साहब, उसके बाद GM साहब, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दूरसंचार मंत्री सबके पास हम लोग शिकायत कर चुके, कोई हम लोगों का सुनवाई होने वाला नहीं है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? 15 साल हो गया सर हम लोगों को काम करते, हमको 15 साल हो गया, कोई 18 साल से काम कर रहा है, बताइए इस समय में लोग कहाँ जाएंगे। अधिकारियों द्वारा धमकी भी दी जाती है, धमकी दी जाती है सर हम लोगों की, तुम लोग काम नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा, दूसरे को रख लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, पेमेंट दे दे सर हम लोगों को, जहाँ जिसको मन करे वहाँ 1200 रुपये हम कौन रखता है। मनरेगा मजदूरी करता है तो सरकार का योजना है कि 350 रुपये पेमेंट मिलता है, हम लोग 40 रुपये में 24 घंटा मरते हैं, उसके बाद भी पेमेंट समय से नहीं मिल पाता है। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन ओझा सर। और क्या परेशानियाँ हैं आप लोगों? जी, हम लोग 2008 से काम कर रहे हैं अभी इसमें, और 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और हम लोगों की जो भी मानदेय ठेकेदार द्वारा दिया जाता है वह नहीं समय से मिल पा रहा है, जिसके संबंध में हम लोग जिलाधिकारी से लेकर के श्रम विभाग तक अपनी आवाज़ CGM GM सभी तरह लोग उठाए, लेकिन कोई ने इस पर सकारात्मक पहल नहीं किया। इसके कारण हम लोग बहुत ही दिक्कत और परेशानी में झेल रहे हैं, और हम लोग परेशान होकर के आप चैनल के सामने आए हैं कि हम लोगों की मांगे जो हैं हम लोग उचित कार्रवाई करके कराया जाए, दिया जाए। और विभाग द्वारा 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है, और रात से लेकर के दिन तक हम लोग कहीं दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे, और न कोई ID प्रूफ हम लोगों के मिला है, न कोई जिम्मेदारी विभाग ले रहा है।
और सॉरी इसीलिए हम लोग विभाग की जड़ हमने आप लोग जो है काम कर रहे हैं कितना वेतन दिया जा रहा है वर्तमान में। देखिए सर इसमें ऐसा है कि किसी को 1200 देते हैं, किसी को 2000 देते हैं, किसी को 2500 देते हैं, मनमानी रेट लगा करके देते हैं, वो भी समय से पेमेंट नहीं मिलता है। महीने के 1200 रुपये वेतन पे कैसे काम चलता है और इस तरह का शोषण जो है आप लोगों के साथ लगातार किया जा रहा है, इस पे क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम मानदेय मजदूरी है उसको हम लोग को दिया जाए और विभाग के द्वारा हम लोग को आईडी प्रूफ दिया जाए और जो भी पीएफ है, जो भी सुविधाएँ हैं विभाग के द्वारा हम लोग को मिलना चाहिए। क्या नाम? ओम प्रकाश मिश्रा। तमाम जगह शिकायत भी किए हैं और कितने दिनों से बकाया है और क्या वजह है कि नहीं? जुलाई 2018 से हम लोगों का पेमेंट बाकी है सर और स्थिति यह है हम ऑपरेटर गणों का कि हम लोग भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं। विभाग द्वारा हम लोगों का ना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना कोई आईडी प्रूफ मिला है, यहाँ तक कि हम लोगों से 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है सर। एक्सचेंज की जिम्मेदारी टोटल हम लोगों के ऊपर है। अगर रात को 12 बजे साइट डाउन होता है तो सीधे एसडीओ रख कॉल करते हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, तुम मर गए क्या कि साइट डाउन हो गए। 24 घंटे की जिम्मेदारी के बाद भी विभाग हम लोगों का कोई हिसाब कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं है सर। हम लोग एसडीओ को नोटिस किए, सीजीएम को किए, जीएम को किए, दूर संचार मंत्री को किए, प्रधानमंत्री तक को हम लोग लेटर लिखे, यहाँ तक कि श्रम विभाग को भी हम लोग लिखे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय हम लोगों को नहीं मिला है सर। हम लोग यह चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो उचित न्यूनतम मजदूरी है वो हम लोगों को मिले। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम तो सर 2000 से सन 2000 से काम कर रहे हैं। हमारी साइट सलेमगढ़ है, यूपी बिहार के बॉर्डर पे है सर। किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हर तरह का दिक्कत है सर। एक दिक्कत हो तब ना हम बताएं कि एक दिक्कत है। अधिकारी मांग करने पे ऐसा भी हमारे सामने आया बात कि अधिकारी जो है वेतन की मांग करने पे धमकी दे रहा है। जी सर, अधिकारी और ठेकेदार दोनों कहते हैं। ठेकेदार तो कहते हैं कि हम टारगेट भी लिए हैं आप लोगों को, अगर हम कहीं किसी से मांग करते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं किसी अधिकारी को, तो कहते हैं कि तुम लोग धरना कर रहे हो, ठीक है हम देखेंगे तुम लोगों को। अधिकारी भी कहते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं तो तुम किनारे हो जाओ, छोड़ दो। क्या नाम है? प्रमोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट 9 टेक से नाजमिन की रिपोर्ट।